लिए मंत्री जी से आज इस कार्यक्रम में आपको मिलवाएंगे केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी से। कैलाश चौधरी ने आरडीएन टीवी से खास बातचीत की, क्या कहा आप खुद सुनिए। साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी। कैलाश जी, जिस तरह से आपने कार्यभार संभाला केंद्र सरकार में, मोदी ने आप पे विश्वास ज्यादा है, क्या प्राथमिकताएं थी और इतने दिनों में क्या क्या आपने जनता के लिए पूरे देश को? ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 तक हमारे किसानों की आमदनी दुगनी करना है, तो इस और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कैबिनेट के अंदर किसानों के लिए किसान मानधन योजना प्रारंभ की, जिसके अंदर किसानों को 60 साल पूरे होने पर उनको पेंशन दी जाएगी और साथ ही किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये देने का तय किया। और बजट के अंदर भी आपने देखा होगा कि इस बार का बजट सबसे ज़्यादा बजट दिया गया, जहाँ यूपीए की सरकार थी उन्होंने 2008 से 9 से लेके और 13 के बीच में जो दिया था वो सिर्फ और सिर्फ 85,000 करोड़ रुपए दिए थे 5 साल में, जबकि हमारी सरकार ने इस बार एक ही वित्तीय वर्ष के अंदर 1,31,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए प्रावधान किया गया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये किसान हितैषी सरकार है और आने वाले समय में किसानों के लिए और बहुत अच्छे फैसले किए जाएंगे, निर्णय लिए जाएंगे और किसान का उत्पादन कैसे बढ़े और साथ ही किसान को मार्केट किस तरह से अवेलेबल हो, इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है और किसान की आमदनी बढ़ाना हमारा प्राथमिकता रहेगी। अभी जिस तरह से राजस्थान में बाढ़ आई है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि बाढ़ राहत और किसान की फसल जो भरा उसके लिए पैसे की मांग की है, उसके लिए क्या प्रावधान किया? ऐसा है कि हमने भी उसके लिए हमारे सांसद सारे दौरे करने गए थे, दौरा करके आए, देख के आए और उसके बाद में अगर राज्य सरकार के पास वैसे हमारी केंद्र सरकार से पैसा उनके बजट के अंदर होता ही है, केंद्र सरकार बिल्कुल पहले से ही बजट के अंदर प्रावधान करके देती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर राज्य सरकार डिमांड करे तो केंद्र सरकार हमेशा किसानों के साथ में खड़ी है। प्याज के भावों को लेकर अभी कल से उछाल आया है, एक साथ 1,000 रुपये क्विंटल प्याज हो गई है, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या प्रावधान किए गए आम आदमी की राहत के लिए? ऐसा है कि किसान को लाभ कैसे हो, इसके लिए हर संभव सरकार प्रयास करती है कि प्याज बढ़ते हैं, भाव बढ़ते हैं या किसान की कोई भी फसल अगर उसके रेट ज़्यादा मिलती है तो निश्चित रूप से किसान को उसका लाभ ही होता है। ये थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जिन्होंने कहा किसान के हित में सरकार काम कर रही है और तमाम बजट अब की किसानों के लिए मोदी सरकार ने बढ़ाया है। अब देखना है कि किसानों को इसका कितना लाभ मिल पाता है। कैमरा पर्सन नितेश के साथ संजय वर्मा, आर9 टीवी, जयपुर।